नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर खालिस्तान मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है, जहां पर भारत के आदेश के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद भारत सरकार ने ये कार्यवाही की। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर को कनाडा सरकार को अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया। लेकिन अब इस बात पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रिएक्शन सामने आया है। ट्रूडो ने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के लोगों को परेशानी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 41 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट कर रद्द करने का भारत का फैसला वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। इसको लेकर सभी देशों को चिंतित होना चाहिए। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत सरकार भारत और कनाडा में लाखों लोगों के लिए जिंदगी को सामान्य रूप से जारी रखना मुश्किल बना रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन भी कर रहा है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने कहा कि बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में कनाडा के महावाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे। कनाडा के लोग नई दिल्ली में स्थित कनाडा के उच्च आयोग से आगे की जानकारी पा सकते हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर को भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिकों की ज्यादा संख्या होने का हवाला देकर कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था। भारत ने ये भी कहा था कि तय समय सीमा के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट